गरम करके सजाना है उसको। हो गया कंप्लीट। जी तो ये हमारा ऐप अभी डाउनलोड हो चुका है, मैं जस्ट ओपन यहीं से कर लेता हूँ। ओपन करते ही आपको इंट्रोडक्शन मिले, इंट्रोडक्शन आएगा। इससे इसके बाद भी एक ऑप्शन आता, उसके अंदर का अवेलेबल ऑप्शन आता कि उसमें के लॉग इन करना है, नहीं लॉग इन करना है कि मैंने ऑलरेडी पहले से एक बार लॉग इन किया हुआ था अपने ऐप में, तो हमारा लोकेशन डिटेक्ट कर लिया, ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया। तो अभी हमने जो ऐड किया था होम डेकोर के नाम से एक प्रोडक्ट ऐड किया था बेडशीट के नाम से, तो वो बेडशीट के नाम से यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आ चुका है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 10 बास्केट दिख रहा है, तो वो पहले आपको जो दिखेगा वो जो भी आपका कंपनी है, जो भी लोकेशन है, तो उस लोकेशन का पहले टैग दिखाता है या इंट्रोडक्शन वगैरह दिखाता है। यहाँ पे जैसे अभी होम पे देखेंगे तो अभी होम पे कोई भी चीज़ ऐड नहीं है। यहाँ का अभी जो मैंने लोकेशन चूज़ किया है वो 11 00 25 के किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे लोकेशन कोई भी चूज़ कर लेते हैं 11 00 46, अगर इस लोकेशन का कोई भी सेलर नहीं है तो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट दिखाएगा नहीं और उस प्रोडक्ट पे कोई ऑर्डर भी नहीं कर सकता है। जिसमें बेनिफिट ये है कि आपको जो प्रोडक्ट दिखेगा वो लोकल वाइज दिखेगा, पिन कोड वाइज दिखेगा। अगर आप ये चाहते हैं इसमें जैसे पिन कोड वाइज है, इसको एरिया वाइज करना है, छोटे स्टेट छोटे शहर के लिए लेना चाह रहे हैं तो छोटे शहर के लिए भी ले सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। अगर आप ये चाहते हैं कि जितने भी लोकेशन के लिए है वो सारे लोकेशन के लिए ऐप दिखे, तो यहाँ पर जस्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, तो ऑल पे क्लिक करते हैं जितने भी सेलर्स है ऐड किया हुआ है उस सेलर्स के हिसाब से आ जाएगा। चलते हैं हमें एक प्रोडक्ट हम ऑर्डर कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने ये प्रोडक्ट ऑर्डर ऑन किया था, यहाँ पे हमने मल्टीपल वेरिएशन भी ऐड की हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वांटिटी लिया हुआ है हमने, यहाँ पे जो क्वांटिटी ऐड की थी 3 तरह के ऑर्डर ऐड की थी। जो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंगल बेड था वो बाय डिफॉल्ट था, दूसरा जो हमने ऐड की थी डबल बेड के नाम से वो जो है जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो कलर हमने डाला था, और तीसरा जो हमने इमेज डाला था। तो इस तरह के अगर आप मल्टीपल अगर इमेज डालना चाहे इमेज भी डाल सकते हैं, कलर डालना चाहे कलर भी डाल सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट रखना चाहे बाय डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, वो चॉइस है आपकी, आप किस हिसाब से चाहेंगे। अगर आप इमेज डालते हैं तो इमेज का लुक थोड़ा सा अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, क्लाइंट को भी अच्छा महसूस होगा। तो इस तरह से ये सिंगल प्रोडक्ट इस टाइप से दिखेगा, क्वांटिटी देगा, स्पेसिफिकेशन दिखेगा जिसमें क्या क्या है, नहीं ये कहाँ की बनी हुई है, कितने दिन में रिफंडेबल है, ये कैंसिलेबल है या नहीं है, ये कैंसिलेबल होगा तो कब होगा, या टिल रिसीव, जब तक रिसीव नहीं होगा तब तक कैंसिल नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से चीज़ें लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी इसमें दिया हुआ है, सिंगल बेड है, डबल बेड है, डबल एक्सल बेड है, तो इस हिसाब से मैनेज किया हुआ है। इसका लोकेशन, लोकेशन अगर कोई चाह रहा है कि अपने पिन कोड वाइज देखें तो उस पिन कोड में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, यहाँ पे सोल्ड वाइज सेलर का भी दिख रहा है, जो कौन सा सेलर सोल्ड कर रहा है, या जब आपके पास बहुत सारे सेलर्स हो जाएंगे तो उस सेलर्स में का अगर कोई रिपोर्ट देखना चाहे तो भी देख सकता है, उसका उसका रेटिंग देखना चाहे देख सकता है, उसका प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। तो ये चॉइस है दिखाने के लिए। यहाँ पे ये प्रोडक्ट के ऐड टू कार्ट का सेक्शन है। इसके अलावा इसके अंदर का अगर आप फेवरेट करना चाहें फेवरेट के भी सेक्शन में ऐड किया जा सकता है, जस्ट फेवरेट पर क्लिक करके फेवरेट में भी ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक आपका एक ये एक शेयरिंग का है, यानी आप किसी बंदे को कैसे व्हाट्सएप के थ्रू आप इस प्रोडक्ट को शेयर करना चाह रहे हैं तो आप शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे अगर बाय नाउ पर क्लिक करना चाहे बाय नाउ पर भी क्लिक कर सकते हैं, ऐड नाउ ऐड पर करेंगे ऐड नाउ पर भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों चीज़ें चॉइस है। तो मैं पहले क्या यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ऐड कर लिया था कार्ट पे, तो मैं यहाँ
यहाँ पे जाके अभी वॉलेट ऐड करता हूँ। यहाँ पे जो प्रोमो कोड जो मैंने आपको बैकएंड में बताया था, उस तरह का प्रोमो कोड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चेकआउट पे जाता हूँ। चेकआउट पे जाने के बाद यहाँ पे जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपने हिसाब से अगर चेंज करना चाह रहे हैं, एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं, लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर गूगल से लोकेशन डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, गूगल से डिटेक्ट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट अपने हिसाब से लेना चाह रहे वो ले सकते हैं। अगर कस्टमर को ऐसा लगता है कि उसको डायरेक्ट आप गूगल पे क्लिक करें, गूगल पे क्लिक करके उनका लोकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली ले ले, उनका एरिया खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ले ले, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। इस हिसाब से भी चूज़ किया जा सकता है। तो इसके लिए गूगल API की हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो सपोज अभी हमने इसको चूज़ किया, तो ऑटोमेटिकली ले लिया दिल्ली ओखला न्यू दिल्ली। तो इस हिसाब से एरिया भी ऑटोमेटिकली ये फाइंड हो गया ये दिल्ली के लिए है। इसके अलावा ये दिल्ली के अंदर जो एरिया आगे जामिया नगर, नहीं लेना क्या पड़ेगा ये भाई जी? ऑटोमेटिकली ले लेगा। अच्छा, वो ले लेता है। हाँ, ये गूगल ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसके बाद यहाँ पे हम नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। जब गूगल से जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। अब इसके अंदर तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि होम है, ऑफिस है या अदर है। इसमें तीनों ऑप्शन में से जो क्लाइंट सेट करना चाहे वो सेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से सेव करने के बाद यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो सेट मेरे पास ऑलरेडी अभी सेट किया हुआ है एक आईडी। तो मैं इसको जस्ट ऑर्डर प्लेस पे क्लिक करता हूँ। ऑर्डर प्लेस पे क्लिक करने के बाद ये आ गया आपका टाइम स्लॉट और बैलेंस। यहाँ पे आप देखेंगे कि बैलेंस अभी इसमें 300 रुपये दिखा रहा है, और यहाँ पे जो अभी चूज किया हुआ है कि डेट कौन सी डेट को है। तो अगर आप हम 22 को देखेंगे तो 22 को सिर्फ अभी एक ही टाइम स्लॉट शो हो रहा है। जैसे हमने डेट सिलेक्ट किया तो 22 को सिर्फ एक टाइम स्लॉट शो हो रहा है, क्योंकि अभी जो है 11 AM से लेकर 1 PM तक ये ऑर्डर कर सकता है। तो ये अभी एक ही टाइम स्लॉट हो रहा है। अगर हम 23 को देखेंगे तो 23 को देखेंगे, इसमें 23 को 4 टाइम स्लॉट है। इससे अगर आगे जाएंगे तो इस हिसाब से आप डे बाय डे भी आप टाइम स्लॉट ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आज मुझे ऑर्डर लेना ही नहीं है, कल के लिए ऑर्डर लेना है, आज जो ऑर्डर करे वो डिलीवरी कल के टाइम में हो, किस टाइम डिलीवरी होगा वो ये दिखा देंगे जो इस बीच से लेकर इस बीच के अंदर होगा। सपोज कि मैं कल के लिए लेता हूँ, ये मॉर्निंग का टाइम लेता हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का, तो वो आपके ऊपर है। यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये चीज़ें जैसा चाहेंगे वो आप सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल कैश ऑन डिलीवरी का इनेबल किया हुआ है। अगर ऑनलाइन भी इनेबल करना चाहे तो ऑनलाइन भी इनेबल कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता, इसमें भी मेरे बैलेंस जो था वॉलेट में, मैंने जो ऐड किया हुआ था उसमें अभी 300 रुपये मेरे पास था। मैंने 500 रुपये मैंने ऐड किया हुआ था एडमिन से, बट अभी जब मोबाइल ऐप जब मैंने ओपन किया तो मेरा बैलेंस इसमें दिखा रहा है कि 300 रुपये ऐड है। तो अब मैं अगर बैलेंस भी डिटेक्ट कराना चाहूँ तो मैं बैलेंस से भी डिटेक्ट करा सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने ऑर्डर जो सिलेक्ट किया वो सिर्फ 158 का सिलेक्ट किया हुआ ऑर्डर, और मेरे का ऑलरेडी मेरे पास जो है 300 रुपये का बैलेंस मेरे वॉलेट में अवेलेबल है। तो जो चाहे, चाहे कैश ऑन डिलीवरी में करना चाहे या बैलेंस में करना चाहे, दोनों कर सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल मैं कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। जैसे हम ऑर्डर प्लेस कैश ऑन डिलीवरी पे कर दिए तो यहाँ पे दिखा रहा है कि प्लीज, अच्छा सिलेक्ट पेमेंट मेथड, हाँ अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो है कि आपका एरिया जो है, इस एरिया में आपका ये अवेलेबल ही नहीं है, ऑर्डर अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमने जो ऑन किया हुआ है वो हैदराबाद के लिए किया हुआ है, और हमारे इस लोकेशन पे ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। इस हिसाब से अगर आपके लोकेशन के हिसाब से नहीं होगा तो वो चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। तो सपोज कि मैं इसको अगर मैं लोकेशन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे पिन कोड में चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, ये एड्रेस के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, चलिए मैं नए सिरे से डाल लेता हूँ उसको। क्या हमारा लोकेशन जो है मैं डिटेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया, पूरा एड्रेस डिटेक्ट कर लेता हम किस जगह पे हैं, कौन सी जगह पे, सब टोटल डिटेक्ट कर लिया।
बाय डिफॉल्ट ये डेली ये आ गया आपका जान लो लगा तो देखिए ओके आपका देख लिया वो थोड़ा ही तो जाने अच्छा अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि 500 रुपये से नीचे का ऑर्डर ले नहीं रहा है का मैं बार बार ऑर्डर कर रहा हूँ लेकिन ले नहीं रहा क्योंकि इसमें जो हमने एरिया वाइज सेट किया हुआ है कि 500 रुपये से नीचे का ऑर्डर ना ले तो मैं इसको मल्टीपल ऑर्डर दे देता हूँ 3-4 ऑर्डर दे देता हूँ सेट लोकेशन मैं और भी कोई प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ जी अब तो प्रोडक्ट हो गया खैर ये लाइव होने की वजह से ऐसे हैदराबाद ही में इनेबल किया हुआ है यहाँ पे ये आ गया उसके अलावा जो प्रीवियस मैंने ऑर्डर किया हुआ था इसको वो मैं दिखा दे रहा हूँ ऑर्डर आने के बाद इस तरह का ऑर्डर दिखेगा उसमें उसका जो कस्टमर जो है ट्रैकिंग का सिस्टम रखना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं तो वो सारी चीज़ें वो देख सकता है कस्टमर का जो प्रोफाइल होगा प्रोफाइल में यहाँ पे इमेज आएगा या नाम आएगा मेल आईडी आएगी उसके बाद यहाँ पे अगर कस्टमर इमेज चेंज करना चाह रहे हैं तो वो कस्टमर अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकता है जस्ट सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करके इसमें अपडेट करेंगे अपडेट हो जाएगा यहाँ पे जो कस्टमर का जो प्रीवियस ऑर्डर हुआ है वो ऑर्डर देखना चाह रहे हैं कितने ऑर्डर उन्होंने किया है नहीं किया है कौन से क्या ऑर्डर प्लेस्ड हुआ कौन से नहीं हुआ वो चीज़ें यहाँ पे दिखेगा ये ऑर्डर अभी प्लेस किया हुआ था ये ऑर्डर प्रोसीड में गया शिपिंग में गया फिर ऑर्डरिंग पे गया तो ये जब ये ऑर्डर किसको गया 10 बास्केट को गया हुआ है इस तरह से जो जो ऑर्डर जो जो प्रोडक्ट्स अगर पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स अगर गया हुआ है तो उसके हिसाब से देख सकते हैं कस्टमर इनवॉइस देखना चाह रहे हैं तो इनवॉइस भी देख सकता है अगर हमें यही प्रोडक्ट हमें क्या करना है अगर पूरे डिलीवर तक प्रोसेस करवानी है तो डिलीवर तक प्रोसेस करवाने के लिए हमें फिर सेलर ऐप पे जाना पड़ेगा इस ऑर्डर को सेलर ऐप पे जाके चेक कराना पड़ेगा तो जैसे कि ये अभी 3 आइटम है 3 आइटम ऑर्डर किया हुआ है हर एक आइटम के लिए लिखा हुआ है कि ये ऑर्डर शिफ्ट हो गया नहीं हुआ या हुआ या नहीं हुआ ये कौन सा कहाँ तक पहुँचा है अगर ये इसलिए किया हुआ है क्योंकि एक साथ अगर मल्टीपल सेलर से ऑर्डर अगर जाता है तो कोई प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर के पास कोई पहले मिल गया या कोई प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है कि जो बाद में मिला तो इस हिसाब से वो मल्टीपल प्रोडक्ट के हिसाब से वो सेलर के अकॉर्डिंग उसको मैनेज किया जा सकता है तो अब अगर इसको मैनेज करने के लिए मैं चलूंगा अभी से इसकी तरफ से ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए सेलर डैशबोर्ड में जाऊंगा इससे पहले जो इसका सेक्शन है जो कस्टमर को जो क्या क्या मिलेगा वो चीज़ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस वगैरह चेंज करने का ऑप्शन रहेगा एड्रेस के सेक्शन पे कस्टमर का जो वॉलेट है वॉलेट में उसका कितना बैलेंस अवेलेबल है कितना उन्होंने डेबिट किया कितना उन्होंने रिफंड किया कितना कब क्रेडिट हुआ कस्टमर का पूरा ये मिलेगा अगर कस्टमर खुद से अगर अपना बैलेंस भी ऐड करना चाह रहा है तो कस्टमर खुद से अपना बैलेंस भी ऐड कर सकता है तो ये उस टाइम कर पाएगा जब इसके अंदर कोई पेमेंट गेटवे अवेलेबल हो तो अभी फिलहाल इसके अंदर कैश ऑन डिलीवरी का सेक्शन है इसलिए फिलहाल इसमें कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन पे इनेबल किया हुआ नहीं है इसके अलावा माई ट्रांजेक्शन कस्टमर अगर देखना चाह रहे कि उन्होंने कितना कितना ट्रांजेक्शन किया है कब कब किया है तो भी चीज़ें की जा सकती है पॉसिबिलिटी है यहाँ पे वो सारी चीज़ें वो दिखेगा कब कब कौन कौन से ट्रांजेक्शन किया हुआ है वो सारे से ट्रांजेक्शन दिखेगा इसके अलावा वो अपना कलर चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज चेंज करना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं तो लैंग्वेज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है सपोज कि अगर मुझे हिंदी में देखना हो तो मैं हिंदी पे जस्ट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऐप जो है हिंदी में आ जाएगा
ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस चेंज करना चाहे वो चेंज कर सकते हैं क्लाइंट। इसके अलावा कोई दूसरे जबान में लेना है, दूसरी लैंग्वेज में लेना है, दूसरे लैंग्वेज में भी कर सकता है। जैसे ही लैंग्वेज चेंज करेगा उसी हिसाब से पूरा ऐप का लुक ही चेंज हो जाएगा लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहाँ पे पासवर्ड है, रिफर एंड अर्न का है, यानी कस्टमर अगर रिफर एंड अर्न करना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये पैसे कमा सकते हैं, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी के बैक एंड में ट्यूटोरियल दे दिया है जो उसका रिफर करेंगे तो कितना क्या क्या मिलेगा। सर कस्टमर सपोर्ट की है, कस्टमर सपोर्ट अगर करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर कोई सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, जस्ट यहाँ पे सपोर्ट पे क्लिक करके अपना किस टाइप के सपोर्ट है वो टाइप चूज करेंगे, मेल आई डी डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, और डिस्क्रिप्शन डालकर ये कस्टमर सेंड पे क्लिक कर देंगे। तो सेंड पे क्लिक करते ही जो मैंने आपका एडमिन पैनल में जहाँ पे दिखाया कि वहाँ पर एक कस्टमर रिक्वेस्ट आएगा तो वो चीज़ें वहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा अबाउट अस है, ये एक ऐप के बारे में अगर क्लाइंट देखना चाह रहे हैं तो आप ऐप के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है वो चीज़ देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस का पेजेस है, तो कॉन्टैक्ट अस का पेज कस्टमर को दिखेगा जो कब से कब तक ये ऑन है, नहीं है, कब डिलीवरी कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं, क्वेश्चन वगैरह अगर डालना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन डाल सकते हैं। ये सब प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह है। रेटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो रेटिंग वगैरह जाके ऐप में भी डायरेक्ट जाकर रेटिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से रेटिंग का भी सेक्शन इस ऐप के अंदर अवेलेबल है, वो प्रीवियस ऐप में भी था। सर ऐप को शेयर करना चाह रहे हैं तो ऐप को भी शेयर कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। अगर क्लाइंट ये चाह रहे हैं, यानी कस्टमर ये चाह रहा है कि उसको हम भेजेंगे एज ए रिफर के हिसाब से, तो रिफर भी होगा, या फिर जस्ट ऐप ही शेयर करना चाहे तो ऐप भी शेयर कर सकता है। अब ये जो ऑर्डर का जो प्रोसेस है कि ऑर्डर कैसे कंप्लीट होगा, किस हिसाब से क्लाइंट तक पहुंचे, उसका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी एक बार सेलर पैनल पे जाके मैं एक बार आपको बता देता हूं। इसके लिए मैं सेलर ऐप भी ओपन कर सकता हूं, या फिर आपका सेलर डैशबोर्ड भी वेब पैनल भी ओपन कर सकते हैं, दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी है। कस्टमर का जो बिल मिलेगा वो बिल इस टाइप से मिलेगा, इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होगी कि उनका डिलीवरी का कब डिलीवरी किससे हुआ है, फ्रॉम इसमें मार्केट इसका लिखा हुआ होगा, सेलर का नाम लिखा हुआ होगा, लेकिन जो लोगो होगा, लोगो कंपनी का लोगो जाएगा, जो भी आपका कंपनी उसी कंपनी के हिसाब से वो बिल बनेगा, और कहाँ से शिपिंग होनी है वो एड्रेस होगा, इनवॉइस की पूरी डिटेल होगी, कब डेट वगैरह ये सारा डिटेल होगी, और सोल्ड किसके तरह से गया है तो सेलर का पूरा डिटेल होगा। उसके बाद ये डिलीवरी बॉय कौन है, किसके कौन यहाँ पे असाइंड होगा, तो डिलीवरी बॉय का भी इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा प्रोडक्ट की जो डिटेल है वो डिटेल आपको यहाँ पे देगा, प्रोडक्ट क्या है, नहीं है, वो सारे डिटेल यहाँ पे दिखेगा, उसके प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, कितना परसेंट टैक्स है, उस टैक्स को ऐड करके फिर उसका कितना टोटल अमाउंट कितना होता है। इस तरह से अगर उन्होंने वॉलेट यूज़ किया है तो कितना चार्जेस कटा है, अगर डिलीवरी चार्ज लिया है तो डिलीवरी चार्जेस कितना है, ये सारी चीज़ें कस्टमर को बिल में दिखेगा, इनवॉइस के अंदर दिखेगा। ये जो सर जो एक बात कह रहे थे इससे पहले, इनवॉइसिंग का प्रिंटिंग वगैरह भी है इसमें, इनवॉइसिंग का प्रिंटिंग आपको इस पे मिलेगा, वेब पैनल पे मिलेगा, सेलर पैनल पे मिलेगा, यहाँ पे से कस्टमर पैनल में हम अभी ओपन किए हुए हैं, तो कस्टमर को जो दिखेगा। हाँ, एक चीज़ जो आप लास्ट में सवाल किए थे कि अगर मल्टीपल सेलर से ऑर्डर गया है तो कस्टमर को इनवॉइस कितना दिखेगा, सर कस्टमर को सिर्फ इनवॉइस एक ही दिखेगा, उनको बिल सिर्फ एक ही दिखेगा। हाँ, सेलर की वजह से सेलर को जो डिफरेंट वहाँ पर दिख सकता है, लेकिन कस्टमर को एक ही दिखेगा। अभी हम कस्टमर पर जब ओपन किए हुए, यहाँ पे तीन ऑर्डर किया हुआ है डिफरेंट सेलर पे, बट कस्टमर को जो ऑप्शन है ये सिर्फ एक ही बिल है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका पिछला डाउट था वो डाउट्स क्लियरिफाई हो गया। इसके अलावा यहाँ जो प्रोसेसिंग का सिस्टम है, ये प्रोसेसिंग का है, ये डिलीवर्ड का है, फिर कैंसिलेशन का है, रिटर्न का है, फिर का आगे जाके यहाँ पे रिफंड का भी आ सकता है, तो वो आपकी इसमें सेलर के हिसाब से चॉइस है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें कैंसिलेबल की है, जैसे ये प्रोडक्ट अभी कैंसिल कर सकता है, बट यहाँ पर अगर एप्पल देखेंगे तो ये कैंसिल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यानी प्रोडक्ट डिलीवर होने से पहले पहले भी कैंसिल किया जा सकता है। तो आप जो भी प्रोडक्ट्स पे कैंसिल का ऑप्शन रखेंगे वो कैंसिल होगा, अदरवाइज वो कैंसिल नहीं होगा। इसके अभी हम चलेंगे फिर सेलर ऐप पे, सेलर ऐप को जरा देखेंगे कि उसका किस हिसाब से काम कर रहा है। यहाँ पे अभी हमने सेलर ऐप ओपन कर लिया, सेलर ऐप ओपन करते यहाँ पे आपका लॉगिन का ऑप्शन आएगा जस्ट, तो ये सेलर डैशबोर्ड देखने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं अब एडमिन पैनल पे। तो दोनों चीज़ें हैं इसमें, एक सेलर आप ऐप से भी ले सकते हैं
और सेलर आप वेब से भी ले सकते हैं। तो मैं आपको पहले एक वेब का दिखा देता हूँ, फिर ऐप का दिखाऊंगा। यहाँ पे अभी हम चलेंगे एक सेलर डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक करके देखेंगे यहाँ पे जो सेलर हैं वो दो सेलर हैं, एक टेन बास्केट के नाम से, एक किचन सेलर के नाम से है। तो मैं यहाँ पे एक ये जो ऑप्शन है, ये आपका सेलर का डैशबोर्ड है, तो अभी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। जी सर, दिख रहा ना आपको? हेलो हेलो, जी जी दिख रहा ना आपको? हाँ हाँ जी। तो मैं अभी सेलर डैशबोर्ड में आ गया हूँ। सेलर को क्या क्या मिलेगा? सेलर का जाकर आप वेब पैनल पे देखेंगे, वेब पैनल भी है, ऐप भी है, दोनों चीजें हैं। तो अभी हम वेब पैनल पे देख लेते हैं, फिर ऐप पे भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सेलर का जो कि आपका बैलेंस दिखेगा सेलर का, या सेलर का जो प्रोडक्ट्स वगैरह है वो ट्रैकिंग वगैरह लगाना चाह रहा है लगा सकते हैं। खुद का अगर सेलर भी अपना ट्रैकिंग करना चाह रहा है या ट्रैकिंग सिस्टम ऐड करना चाह रहा है, तो वो खुद भी ट्रैकिंग ऐड कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस उसमें दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो वो ट्रैकिंग सिस्टम एजेंसी के थ्रू कर सकते हैं सर। कैटेगरी देख लिया, उसमें नहीं फंसना। हाँ, तो सेलर का मैं वही चीज दिखा रहा था। सेलर को क्या क्या चीज़ों का एक्सेस मिलेगा? यहाँ पे एक ये वॉलेट का सिस्टम है सेलर के पास, और जो सेलर का देखना है वो रिक्वेस्ट का है कि विदड्रॉ रिक्वेस्ट, यानी वो जब रिक्वेस्ट डालेंगे तो कब कब अमाउंट मिलेगा, तो वो चीज़ सेंडर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे सेलर, और ये रिक्वेस्ट डाल के सेलर के पास पहुंच जाएगा, कितने अमाउंट है नहीं है वो चीज़ें यहाँ पे डलेगा। और मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, जो सेलर का जो बैलेंस जाएगा वो सिर्फ उसके अकाउंट पे जाएगा। यहाँ पे सेलर का जो लोकेशन है और उस कस्टमर का जो व्यूअर का ऑप्शंस है, तो ये चीज़ें ऑप्शंस अवेलेबल है। हाँ, ये अगर अभी प्रोडक्ट को देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट अभी कितने ऑर्डर करना है या असाइन करनी है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हमें वही चीज़ देखना था। अभी हमने जो कस्टमर ऐप में देखा था, कस्टमर ऐप में हमने एक ऑर्डर देखा था, उस ऑर्डर का नाम है जस्ट ये लोकेशन, ऑर्डर ट्रैकिंग, कॉम्बो ऑफर मटन करी, ये है। तो इस हिसाब से कस्टमर को ऑप्शन ऑप्शन है कि वो जो भी इसमें करना चाह रहे सेलर, ये प्रोसीड हो गया, सीव्ड हो गया, ये जो भी ऑप्शन है, और या फिर डिलीवरी बॉय यहाँ पे असाइन करने का हुआ, ये बल्क में भी अपडेट करना चाहे बल्क में भी कर सकता है, या फिर पार्टिकुलर करना चाहे सिंगल सिंगल, तो सिंगल सिंगल भी किया जा सकता है। यहाँ पे ये सिंगल सिंगल होगा, और यहाँ पे आपका बल्क में अपडेटिंग का सिस्टम आएगा। यहाँ पे दोनों चीज़ें अवेलेबल है। हाँ, यहाँ पे एक ये लोकेशन ऐड करना चाहे लोकेशन देख सकते हैं, सेलर ऐड करना सेलर देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं अभी अपडेट कर दे रहा हूँ, ये बल्क अपडेट आइटम इज द टोटल रिक्वायर्ड। ओके, मे बी ये ऑर्डर जो है अभी नहीं गया था, जो मैंने कस्टमर से ऑर्डर किया था, एक मिनट, कस्टमर ऐप में ये था हमारा प्रीमियम मटन। तो ये निकलेगा सेलर को, प्रिंट का भी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। लोकेशन है कौन सी लोकेशन पे, अगर ये लोकेशन आपका कोरियर का लोकेशन है, कोरियर का एजेंसी का नाम डालेंगे, ट्रैकिंग डालेंगे, यूआरएल डालेंगे, तो यहाँ पे यूआरएल का क्लाइंट फिर उस हिसाब से ट्रैक भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा इनवॉइस जो दिखेगा वो इनवॉइस इस टाइप से होगा, इसको प्रिंट निकालना चाहें प्रिंट भी निकलेगा। जैसे मल्टीपल का प्रोडक्ट्स इसमें ऑर्डर किया हुआ है, टैक्स का भी सेक्शन इसमें ऐड किया हुआ है, तो जस्ट प्रिंट पे निकल जाएगा। अब यहाँ पे ऑर्डर को जो प्रोसेस करना है क्या, उस पर डिलीवरी बॉय के लिए, डिलीवरी बॉय के लिए का हम इसको कर सकते हैं, आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे। यही चीज़, ये ऑप्शन सेम एज इट इज़ हम सेलर ऐप से भी कर सकते हैं। हम सेलर ऐप पे आ जाते हैं, यहाँ पे जी, ये हमारा सेलर ऐप है। अब हमने जो सेलर के जो लॉगिन किया हुआ था।